नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8T वर्सेस ओप्पो K10 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.46 इंच जबकि ओप्पो K10 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 8T में 0.35 इंच जबकि ओप्पो K10 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 8T में 192 ग्राम जबकि ओप्पो K10 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 8T में 6.6 इंचेस जबकि ओप्पो K10 में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 8T में 1080x2408 और ओप्पो K10 में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 8T में 84.5% जबकि ओप्पो K10 में 84.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 8T में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि ओप्पो K10 में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 8T में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और ओप्पो K10 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 8T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और ओप्पो K10 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो स्पार्क 8T में पावर GE8320 जबकि ओप्पो K10 में एड्रीनो 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 8T में मीडियाटेक हीलियो G35 और ओप्पो K10 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 मिलता है। बात करें रैम की तो स्पार्क 8T में 4GB की रैम मिलती है, जबकि ओप्पो K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 8T में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि ओप्पो K10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 8T में अप टू 256GB जबकि ओप्पो K10 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 8T में 4 कलर्स जबकि ओप्पो K10 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 8T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो K10 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,990, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,990 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
टेक्नो स्पार्क एक टीम में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो के 10 की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क गो 2020 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10S है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो 50A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।